बच्चों आज हिंदी भाषा में हम आपको क्या बताएंगे? पर्यायवाची शब्द। क्या बताएंगे? पर्यायवाची। क्या बताएंगे? पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है बेटा? पर्याय का मतलब समान, वाची माने बोला गया, शब्द बोले शब्द। पर्यायवाची शब्द मतलब समान अर्थ वाला, जिसका समान अर्थ हो, जिसका एक अर्थ हो, समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ का मतलब क्या होगा बताओ, तुमको कोई बताएगा? जैसे देखो तुम्हारा नाम क्या है? खड़े हो। आपका नाम क्या है? सोनम। और घर का नाम क्या है? रानी। अब जैसे हम चाहे सोनम कहे और चाहे रानी कहे, लेकिन बात इन्हीं की होगी ना। रानी कहे तब भी यही बोले, इन्हीं को बोला जाएगा, और सोनम कहे तब भी यही बोले। जब बैठो उसके बाद ऐसे ही इसी को पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची मतलब एक शब्द का कई अर्थ हो, या एक शब्द को कई नाम से बुलाते हैं, एक वस्तु को कई नाम से बुलाते हैं, कई नाम से बुलाते हैं, कई नाम से बुलाते हैं। तो कैसे अब क्या है, इसे हम सबसे पहले उदाहरण देते हैं बेटा आपको, पानी का। पानी पीते हो आप लोग ना? पानी। अब पानी को और क्या क्या कहते हैं? जल कहते हैं। साबस जल कहते हैं, नीर कहते हैं ना, वाल कहते हैं, और क्या कहते हैं? सलीब। हाँ साबस सलीब कहते हैं, और भी कुछ कहते हैं, अंब कहते हैं, और क्या कहते हैं? तोय कहते हैं। अच्छा अब तुम आप लोग कितना जानते हैं, पानी को जल कहेंगे तभी पानी, नीर कहेंगे तभी पानी, वाली कहेंगे तभी पानी, सलीब कहेंगे तभी पानी, अंबू कहेंगे तभी पानी, और तोय कहेंगे तभी पानी। अच्छा इंग्लिश में पानी क्या कहते हैं? वाटर। साबर। तो ये पानी का पर्यायवाची हो गया, सबका अर्थ पानी होगा। अच्छा पानी से ये पानी एक फूल पैदा होता है लाल लाल रस, क्या गुलाब पानी पैदा होता है? गुलाब झाड़ी होती है, जमीन पैदा होता है, कमल कमल पानी पैदा होता है। एक चीज जान बेटा, जो चीज जिस चीज से पैदा होता है उसमें अगर जल लगा दिया जाएगा उसके नाम में, तो वो उसी का अर्थ होगा। जैसे पानी से कमल पैदा होता है ना, जल से कमल पैदा होता है ना, तो जल में क्या लगा देंगे? जल में जल लगा देंगे, जल जल माने कमल हो गया। ऐसे नीर में जल लगा देंगे क्या हो जाएगा? नीरज। नीरज माने कमल हो गया। ऐसे वारी में लगा देंगे जब, तो वारी माने कमल हो जाएगा। ऐसे सलील में जल लगाएंगे क्या हो जाएगा? सलीलज। सलीलज माने कमल। अंब में जल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अंबुज। अंबुज माने कमल। ऐसे तोय में जल लगा देंगे क्या हो जाएगा? तोयज। तोयज मीन्स कमल। अब पानी का याद कर लो, खाली सारी पानी का याद कर लो पर्यायवाची, और उसमें जल लगा दोगे तो कमल हो जाए। अच्छा एक चीज और जान, अगर द लगाते हैं, द लगा देंगे तो उससे पैदा होगा। जैसे पानी कहां से निकलता है? पानी कहां से बरसता है? कौन बरसाता है? बादल बरसाते हैं, तो पानी को बादल बरसाते हैं। तो बादल का अगर पर्यायवाची करना होगा बेटा, तो बादल को जल में द लगाएंगे। जल को कौन देता है? बादल। जलज। जलज माने जल को देने वाला, कौन हो गया? बादल। अब ऐसे जल पानी वाले सब में द लगा दो, नीरद। नीरद नीरद माने बादल, माने नीर देने वाला बादल। वारिद। वारिद माने वारी देने वाला, वारी माने पानी देने वाला बादल। ऐसे सलीलज। सलीलज माने बादल हो गया, देने वाला, द लग गया देने वाला ना? और अंबुद। अंबुद अंबुद मीन्स बादल हो गया, ठीक ना? ऐसे तोयर। तोयर तोयर मीन्स बादल। अब देखो किसी शब्द में अगर हम द लगा देते हैं, उस शब्द से वो पैदा होगा, जन्म लेगा। जन्म माने जन्म लेगा, और द माने देना। तो जल में जन्म लिया कमल, नीर में जन्म लिया कमल, वायु में जन्म लिया कमल। ऐसे जल का इतना पर्यायवाची सब में जल लगा देंगे, जल से जो पैदा हुआ वो कमल हो जाएगा, ठीक ना?
और अगर द लगा देंगे तो द माने देने वाला, जल को कौन देता है बादल, तो जलत मीन्स बादल हो गया, नीरत मीन्स बादल हो गया, वारिद का माने बादल हो गया, संयत का माने बादल हो गया। अब एक चीज का पर्यायवाची पानी, अगर पर्यायवाची याद कर लोगे, खाली पानी का पर्यायवाची याद कर लोगे, आप तीन चीज की पर्यायवाची बना सकते हो, ठीक है? जल लगाएंगे तो कमल हो जाएगा, अद्दा लगा देंगे तो बादल हो जाएगा, समझ गया?